नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करना वाले हैं वो ये है कि हाँ जी आईटीआर क्यों भरनी चाहिए, आईटीआर किन किन लोगों को भरनी चाहिए और आईटीआर की विशेषकर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारे साथ हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रचित जी। रचित जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। रचित जी थोड़ा सा बताएं कि हाँ जी आईटीआर क्यों आवश्यक है, पहली चीज तो ये। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली क्या होता है कि एक तरह का ब्यौरा होता है जो कि आपको सरकार को देना पड़ता है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने पैसा कमाया है उसके हिसाब से एक आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कि भाई मैंने इतना पैसा, इतना टर्नओवर मैंने बिजनेस ने किया है, तो उसके हिसाब से आपको अपना टैक्स फाइल करना पड़ता है, चाहे वो आपकी लिमिट में हो या ना हो। अगर 5 लाख से नीचे आपकी है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, बट आज की तारीख में हर कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि ये बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक लोन, होम लोन, हर जगह आप कहीं पे भी अगर लोन लेने जाएंगे आज की तारीख में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 इयर्स की, प्रीवियस फाइनेंशियल इयर्स की शो करना मैंडेटरी है। उसके बिना आपका कहीं पे भी लोन नहीं होगा, कहीं पे भी आपका प्रॉपर सिविल रिकॉर्ड नहीं बनेगा, कोई भी आपको गवर्नमेंट, कोई भी आपको बैंक लोन नहीं देगा, कोई भी आपकी लिमिट नहीं बन पाएगी। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर उस व्यक्ति के लिए मैंडेटरी है जो कि कोई भी बिजनेस कर रहा है या कोई भी सैलरी कर रहा है या किसी का भी TDS कट रहा है। अगर आपको TDS का रिफंड भी अपना लेना है, किसी ने आपका TDS काटा है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, तभी आपका 26AS में जो TDS का शो हो रहा होगा वो आपका रिफंड आएगा। सर थोड़ा सा ये बताएं मुझे, जैसे कि हमारे श्वेता गण है जो कि बिजनेस में है, तो बिजनेस के लिए जब वो बिजनेस करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ जी फ्रीलांसर्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई डॉक्टर्स होंगे, कई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स ओनर होंगे जो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो अपना रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट चलाते हैं, कई ऐसे होंगे जो इवेंट प्लानर होंगे। तो थोड़ा सा बताएं कि हाँ जी जो बिजनेस क्लास है उसके लिए कौन सा ITR फॉर्म नेसेसरी होता है और किस तरीके से उनको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो खैर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण और एक्सपर्ट हैं कि हाँ जी आप सारी चीज़ें बता देंगे, बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप किसी को ITR भरवानी है या ITR को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बताएं रचित जी कि बिजनेस ITR में क्या चीज़ें महम होती हैं। देखिए बेसिकली बिजनेस ITR डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के व्हीकल में, बिजनेस व्हीकल में काम कर रहे हैं, क्या आप प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं या आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, उसमें GST नंबर लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, क्या टर्नओवर आपका 50 लाख से क्रॉस हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके ऊपर उसके हिसाब से रिटर्न बनाई जाती है। देखिए 50 लाख से नीचे आप सिंपल ITR 4 फॉर्म होता है उसको फाइल कर सकते हैं, जो कि प्रिजम्पटिव इनकम का बनता है, जिसके अंदर Section 44AD और Section 44ADA के हिसाब से हम रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसमें हम डिस्क्लोज कर देते हैं भाई हमारी 8 से 10% की टोटल टर्नओवर जो भी हमारा है उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट हुआ। सपोज किसी ने 45 लाख की सेल करी है किसी मैन्युफैक्चरर ने, उसके हिसाब से हम 10 से 12% का उसका प्रॉफिट शो करके उसके हिसाब से हम उसकी रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अंदर कोई प्रोफेशन में अगर काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो Section 44ADA के हिसाब से हम 50% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर उतना हम शो कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसकी रिटर्न प्रिपेयर कर देते हैं। बट हाँ 50 लाख से ऊपर जब होती है तो आपको प्रॉपरली ITR 3 का ऑडिट वाला जो फॉर्म होता है वो फाइल करना पड़ता है, अगर बिजनेस इनकम है तो, अगर 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो। साथ ही साथ अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपने कोई भी शेयर या डिबेंचर में काम नहीं किया है तो आप ITR 1, सिंपल ITR 1 भरते हैं, 26AS से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और 20 अपना AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से सारी डिटेल्स आजकल निकल जाती है, कितना इंटरेस्ट लिया है, कितना आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो सब हमें डालनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम रिटर्न फाइल कर लेते हैं। ITR 2 में सिंपल क्या होता है, डायरेक्टर जो भी आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बने हुए हैं तो आपको उसके हिसाब से अपनी रिटर्न प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो हर तरह क्लास की अलग रिटर्न है, बाकी जो भी कोई आप संपर्क करेंगे तो उसके हिसाब से अच्छी तरह से आपको गाइडेंस मिल पाएगी। और अगर आपका कोई सवाल है गौरव जी तो आप वो पूछ सकते हैं। हाँ मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे सपोज हम ITR भर रहे हैं तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा अहम रुचि होती है कि हाँ जी किस तरीके से वो ITR भरें। दूसरी चीज़ मैं ये भी पूछूंगा कि हाँ जी जैसे सपोज कोई भी बंदा अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, ठीक है, तो उसको जैसे सपोज बिजनेस शुरू कर रखा है, GST भी भर रहा होगा वो, ठीक है, कई ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको बाहर से अर्निंग हो रही है तो वो अपने खर्चे क्लब नहीं कर पाते कई बार, अपने पूरी तरीके के खर्चे, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी मेरी आपसे बातचीत हो रही थी कि हाँ जी आप लोन वगैरह भी शो कर सकते हो जिससे आपकी ITR को थोड़ा बल मिलेगा। देखिए बेसिकली सबसे पहले जो सबसे बेसिक स्टेप है अपना 26AS, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपका TDS पूरे साल में कटा है या आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, कोई कैपिटल गेन है, तो 26AS में हमेशा शो होता है वो चीज़। तो आपको 26AS में देखना है कि भाई आपकी क्या क्या ट्रांजेक्शन इस तरीके की हुई हैं। साथ ही साथ आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इनकम टैक्स पोर्टल से निकल जाता है, उसमें आपका सारा इंटरेस्ट हो गया, कोई आपने शेयर बेचा है, कोई म्यूचुअल फंड बेचा है या फिर कोई ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। सपोज आपने कोई परचेज करी है प्रॉपर्टी,
उसका सेल करिए उसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको वो प्रॉपरली आपको कैपिटल गेन के अंदर शो करना जरूरी है, या हाउस प्रॉपर्टी आपने अपनी सेल आउट करी है, तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करनी है। कोई फॉरेन इनकम हुई है क्या आपके पास, तो फॉरेन इनकम के हिसाब से उसके प्रोविजन लगेंगे DTAA के, जिससे कि आपको डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है DTAA उसके हिसाब से आपको दोनों देश में टैक्स ना पे करना पड़े। तो अगर आप वहाँ US में या फिर कैनेडा के लॉज के हिसाब से टैक्स पे करके आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी रखनी पड़ेगी अपने पास कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं। बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, आपकी सैलरी इनकम आ रही है, आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, ये सब जो जो आपकी इनकम्स हैं सारे सोर्सेस से, कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, साथ साथ आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, म्यूचुअल फंड इनकम है, बिजनेस इनकम है, सैलरीड इनकम है, तो इतनी तरीके की इनकम्स होती हैं असल में किसी भी। क्या आपके पास कहीं से रेंट आ रहा है जो आपने लेट आउट कर रखी है प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक पेपर पर लिखनी पड़ेगी। फिर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी प्रोफेशनल जो कि इसमें टैक्स में जितना भी जो काम करता होगा उसको आपको प्रोवाइड करनी है, वो आपकी प्रॉपर रिटर्न बनाएगा, कंप्यूटेशन बनाएगा, और आप अपना उसको प्रॉपर्ली अपना रिकॉर्ड को अपना कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपको कोई TDS कटा है, अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है पर आपका TDS कट रहा है, तो आप उसका रिफंड तक ले सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में जो आपका गवर्नमेंट है रिफंड प्रोसेस कर देती है, आपके अकाउंट में आ जाता है जो भी वैलिडेटेड अकाउंट होता है आपके इनकम टैक्स पोर्टल में। साथ साथ अगर वो लेट करते हैं 6 महीने से ज़्यादा, तो आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। ओके, तो धन्यवाद रचित जी, आपने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बताया। अगर किसी श्वेता गण को इससे देख के ये लगा हो कि उसको ITR बनना ज़रूरी है या उसको ITR को लेकर कोई भी क्वेरी है, तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।